बॉस ओटीटी 3 से चौंकाने वाली बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस साल टेलीकास्ट नहीं होगा सलमान खान का लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी 3 से खबर आई थी, जल्दी शो को शुरू कर दिया जाएगा। इसकी प्रीमियर डेट भी सामने आ चुकी थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि फैंस को बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अब खबर आ रही है कि मेकर्स ने बिग बॉस ओटीटी के तीसरे सीजन को कैंसिल कर दिया है। ये शो 15 मई से कलर्स टीवी पर शुरू होने वाला था। रिपोर्ट के अनुसार मेकर्स इस समय शो में हिस्सा लेने वाले सेलिब्रिटीज से फीस को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि पहला नाम दलजीत कौर का सामने भी आया था, जिसके बाद शहजादा धामी और प्रतीक्षा हुनमोखे को बिग बॉस ओटीटी 3 के लिए चुना गया है। जिसके बाद फैंस मेकर्स की ओर से ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार कर ही रहे थे कि अब एक और अपडेट सामने आ गई है। दरअसल अब खबर आई है कि सलमान खान का ये शो अब कैंसिल कर दिया गया है। इस साल बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 नहीं आएगा। इस खबर ने हर तरफ हलचल मचा कर रख दी है। अब आपको बताते हैं क्या है शो कैंसिल होने की वजह। दरअसल बिग बॉस 17 का फिनाले जनवरी में ही हो गया था, और अब अगर मेकर्स बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 लेकर आएंगे तो उसके कुछ ही दिन बाद बिग बॉस 18 भी आ जाएगा। ऐसे में दर्शक एक ही जैसे शो से बोर हो सकते हैं। मेकर्स नहीं चाहते कि फैंस शो से बोर होके दूर चले जाएं, इसे देखना ही बंद कर दें, इसलिए ओटीटी सीजन 3 को पोस्टपोन किया गया है। हालांकि मेकर्स की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है। बिग बॉस ओटीटी 2 के बंद होने पर आपकी क्या राय है, और क्या आप भी एक ही शो बार बार देखकर बोर हो चुके हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए अभी फॉलो करें हमारे चैनल रफ्तार को।